राम राम जी मेरे मित्र बंधु, मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को इसलिए क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहले ये कहना ज़्यादा ज़रूरी है बोलिए। उस जनता के लिए और उस बिहार के युवक के लिए जिसके बोलिए। लिए ये मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहा है, उठाता चला आया है शुरू से लेके एंड तक। आज भी आज उसके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी आ गई है, तो मतलब आप लोग उसका साथ नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसने जब भी बात की है तब भी देश की भलाई के लिए बात की है, स्टूडेंट की भलाई के लिए बात की है और बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी सच्चाई को सामने लाने की बात की है। जितना भी किया है उसने सबकी जनता की हित की बात की है, वो खुद अपने लिए नहीं लड़ा है, अपने घर वालों के लिए नहीं लड़ा है, ये बात पक्की है, आप भी जानते हो। आज यार उसके ऊपर ये राजनीतिक नेता इतने खड़े हो गए हैं और इस चीज़ में हम लोग बोल नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी गंभीरता से सोचने वाला विषय है। मैं यही कहूँगा आप लोगों से, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए मनीष कश्यप भाई ने जो आज गिरफ्तारी दी है, मतलब आज ये खुद हाजिर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने जैसे बोला था कि मैं जब आप बोलोगे तब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तब मैं अपनी हाजिरी दे दूंगा, बात का पक्का है और ये देख लीजिए उन्होंने आज दे दी। मेरे हाथ में अखबार का कुछ पन्ना है, आप सभी देख सकते हैं, और मेरे बगल में मेरी माँ है। घर पे पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा को हाजिर कराइए, गिरफ्तार करवाइए, हाजिर करवाइए। तो चलिए ठीक है, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ। मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ और देख सकते हैं ये आप लोग, 21 फरवरी का अखबार में छपा हुआ है, फिर 26 फरवरी का छपा हुआ है अमर उजाला में। बिहार के नेताओं ने बिहार के मजदूरों के बारे में 28 फरवरी को, जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल साहनी, उन्होंने पोस्ट किया था, पप्पू यादव ट्वीट किया था 28 फरवरी को। उसके बाद से ये प्रभात खबर का जो है वो 1 मार्च को आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ये प्रभात खबर में छपा हुआ है, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। लेकिन इन सब से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से कि क्यों 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 क्यों। आज घर वाले भी परेशान हैं, मेरे पापा परेशान हैं, मेरी माँ परेशान हैं कि आखिर ऐसा किया क्या है मैंने। तो मैं अपनी मम्मी के सामने कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और भगत सिंह ने भी कुछ गलत नहीं किया था। बस हम लोगों ने अनेकों माओं का आंसू पोंछा है, उम्मीद है कि बिहार में मेरे माँ के आंखों में भी आंसू नहीं आएगा और आप लोग नहीं आने देंगे, उम्मीद है। क्या होगा, कुछ दिन की बात है, सरकारें जो है कैद करके रखेंगी, विचारों को कैद करके थोड़ी रख सकती है। मैंने अपने लिए लड़ाई थोड़ी लड़ा है, मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी लड़ा है, मैंने अपने पिताजी के लिए थोड़ी लड़ा है, अपने भाई के लिए थोड़ी लड़ा है, मैं लड़ाई लड़ा हूं बिहार के लिए। मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपया मिला है, अकाउंट में 42 लाख रुपया पकड़ा नहीं जाता है, अकाउंट में लोग पैसा रखता है, उसको भी ना जाने किस प्रकार से जो है वो पेश किया गया। बस बिहार के लोगों से विनती है कि आप लोग जो है चीजों को समझेंगे और चलिए एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं गलत सिस्टम के खिलाफ और इस लड़ाई को जीतेंगे। और सिर्फ ये लड़ाई जो है मुझे अपनी मम्मी के लिए नहीं जीतना है, मुझे अपनी माँ के लिए नहीं जीतना है, ये लड़ाई जो है हर बेटा को अपनी माँ के लिए जीतना है, हर बिहारी को अपनी माँ के लिए जीतना है और पूरे बिहार को जो है बिहार माँ के लिए जीतना है, सबको। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप सभी को पता है कि कानून के आंख पे पट्टी है, कानून अंधा है, आप सभी को पता है, लेकिन अंधा कानून जो है न्याय करता है, आज नहीं तो कल न्याय तो होता है। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग, पॉलिटिशियन नेता, जब वही लोग अंधे हो जाएंगे तो फिर न्याय कैसे, न्याय का उम्मीद कैसे करेंगे हम लोग। रोज ना जाने कितनी माओ के आंखों में आंसू आ रहा है बिहार में, ना जाने कितनी माओ के बच्चे जो है बेवजह मजदूर बन जा रहे हैं बिहार में, सबको पता है कारण क्या है। चलिए ना इस कारण को जानने का प्रयास करते हैं और इसी समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे ऊपर और भी केस है, स्टूडेंट के लिए लड़ा उसमें केस हुआ, एक हरिजन व्यक्ति थे
उनके बेटे के दिल में छेद था, वो इलाज के लिए बैंक में पैसा रखे हुए थे, वहां से पैसा जो है इधर उधर हो गया, उसके लिए लड़ा, मेरे ऊपर केस हुआ, आचार संहिता का मेरे ऊपर केस हुआ। यही सब तो केस है। एक अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का केस है मेरे ऊपर, जो अंग्रेज हमारे चंपारण में लोगों से नील की खेती करवाते थे। लेकिन आप सभी को पता है कि इन सभी चीजों पे चर्चा करें या ना करें, लेकिन बिहार की बर्बादी पे आज हम लोगों को चर्चा करना होगा। आखिर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके क्यों मार खाते हैं? क्या ये बात गलत है? अगर गलत है तो ये सारे अखबार गलत है, गलत है तो वो सारे मजदूर गलत है जो रेलवे स्टेशन पे आके जो है उन्होंने बोला, गलत है तो वो सारे रिकॉर्डिंग गलत है जिन्होंने फोन करके अपनी बातों को बताया, गलत है तो हर माँ का आंसू गलत है जो अपने बेटे के लिए बहा रही है और उम्मीद कर रही है कि मेरा बेटा जो है बिहार में पैदा हुआ है तो राजा बेटा बनेगा, बिहार में उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। हर माँ का बेटा जो है वो बिहार से बाहर इलाज कराने के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर रोजगार के लिए जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? और इसी चीज को तो बदलना है। बस मम्मी से मिल लिया और अब जेल, उसके बाद से देखा जाएगा। फिर उम्मीद है कि आप लोग जो है खड़े रहेंगे, और जब तक आप लोग खड़े रहेंगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। और बस कानून अंधा है, आप लोग अंधे नहीं होंगे, मुझे पता है। जय हिंद। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, क्या कहा भाई ने, गलती कहा यार उसकी, यू नो कितने सारे एविडेंस उसने लेके रखे हैं सामने। क्या ये गलत है? क्या वो मजदूरों की वीडियो गलत है जो मजदूर प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे थे कि हाँ भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ है? हाँ, क्या वो लोग गलत है जो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम परेशान हैं? क्या वो वीडियोस गलत है जो हम लोगों ने देखी, जो ट्रेन में बिहारी युवकों को मारा जा रहा था? क्या वो वीडियोस गलत हैं जिसको सरेआम रोड पे काट दिया जा रहा था? क्या वो रिपोर्ट गलत है जो हिंदुस्तान सबसे पहले ट्विटर पे हैंडल पे जो डाली थी उसने? किया क्या भाई वो? सब जगह जब वीडियो चल गई थी तब उसने अपने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो डाली तो उसके ऊपर FIR हो गई। हाँ, इस तेजस्वी के लिए कोई FIR नहीं, जिसके यहाँ पे 2 किलो सोना, करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए की मुद्रा मिलती है, विदेशी डॉलर तकात मिलते हैं, इसके ऊपर कोई एफ आई आर नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजनेता है भाई। हाँ, उप मुख्यमंत्री है। अबे मंत्री बनाया भी तो आप बिहारियों ने हैं। बिहारियों जरा आंखें खोलो अपनी और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं यही विनती करूंगा, देखिए ये जो चीज आज अगर आप लोगों के साथ हो रहा है, एक मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, तो इसके साथ ना जाने कितने सारे मनीष कश्यप खड़े होंगे और मेरे जैसे भाई इसको सपोर्ट करते हैं, और मेरे जैसे भाई जितने भी हैं इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रखा है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इन सब हर जगह आई सपोर्ट मनीष कश्यप #टैग बन चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करती हुई इतना कहूँगा, आप लोग जाएं भाई का सपोर्ट करें। और आज इसने जैसे ही ये वीडियो डाली है मुझे देख के बड़ा ही दुख हुआ। मैं बहुत दिन से ये वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मैं बोला चलो देख लेते हैं पहले, पर आज ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमको कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ऐसे नेता झूला छाप जो ये कहते हैं कि मनीष कश्यप झूठी अफवाह उड़ाता है, अबे तमिलनाडु के पुलिस क्या नाम है कमिश्नर, वो झूठ बोल रहा है ना, मतलब उसकी बात सही है और ये तेजस्वी कह रहा है ये सही है। हाँ, लेकिन ये जो गरीब मजदूर बेचारे लौट लौट के आए हैं स्टेशनों पर, भीड़ घास कूड़े की तरह भर के डिब्बे में चले गए हैं, रेलवे स्टेशन से ट्रेन के डिब्बों में ऐसे चले गए जैसे जहाँ पे 700-800 की जगह जनता थी वहाँ पे वो 1700-1800 एक बोगी में आए, 2000 आदमी बोगी में आए, पेशाब करने तक की जगह भी नहीं रही। उन सारे मजदूरों ने झूठ कहा। मेरा बस यही कहना है बिहार के युवकों, जग जाओ यार। अगर आज आप लोग शांत रह गए तो ऐसे जाने कितने लोगों की बातें, न जाने कितने भाइयों की बातें आप तक नहीं पहुंच पाएगी जो ये मनीष भाई करता है। आपसे बस इतना ही विनती कहूँगा, जयराम जी की, और सपोर्ट कीजिए यार। मैं तहे दिल से, मैं सपन सिंह जादौन, इस भाई का सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। आप भी अगर ये सपोर्ट करते हो तो नीचे कमेंट में लिखना और कहना ज़रूर
मैं सपोर्ट करता हूं, और मैं सपोर्ट करता हूं ऐसे ही जो पत्रकार हैं उन सब का, ठीक है। राम राम कहने के लिए बहुत कुछ लफ्ज है पर नहीं कह सकता, पाबंदियां हैं कुछ। राम राम जी।